नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार के विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अभी तक के रुझानों में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं 11 राज्यों की 57 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अभी तक जिस तरह का दिखाई पड़ रहा है, उसे देखने के बाद लगता है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार अब खतरे से बाहर आ गई है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दावे झूठे साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां की 28 सीटों में से 16 पर बीजेपी की जीत होती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में अभी 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इस चुनाव में 2 सीटों का लाभ बीएसपी को भी होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को अपनी कुर्सी बचानी है तो कम से कम 9 सीटों पर जीत दर्ज करना जरूरी है। मध्य प्रदेश की जनता का और मेरा आत्मीयता का, प्रेम का और स्नेह का रिश्ता है। जनता ही मेरी भगवान है। मैं उनकी आंखें देख के पहचान लेता हूं कि उनके मन में क्या है। मुझे पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय मिलने वाली है और आप देखेंगे जहां हम जीत रहे हैं अधिकांश सीटों पे 40,000, 50,000, 35,000, 25,000 भारी बम्पर वोट दिए, और जहां हम पीछे हैं बिल्कुल मार्जिनल वोटों से, एक दो सीट अगर अपवाद हम छोड़ दें तो बहुत मार्जिनल वोटों से पीछे हैं, अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये भारी विजय है हमारी। बता दें कि 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश असेंबली में बीजेपी के 105 विधायक हैं, जबकि यहां पर सरकार बनाने के लिए 116 विधायकों की जरूरत है। मतगणना के शुरुआती रुझानों के आधार पर भाजपा में जश्न का माहौल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल तक में बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। रुझानों के आधार पर जहां बीजेपी ने एमपी में स्थायी और मजबूत सरकार होने का दावा किया है, वहीं कांग्रेस अभी हार मानने को तैयार नहीं है। प्रसन्नतादायक रुझान है, हमें उम्मीद थी। भारतीय जनता पार्टी के पास तो खोने को कुछ है नहीं, जिनकी खो रहे हैं उनसे पूछो, हम तो गेन ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है, और मैंने अभी जो बयान सुना पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का, मैंने जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन भी जब उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए थे तब कहा था कि ईवीएम पे अगर उंगली उठा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी तो मान लो कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आज आप परिणाम जो रुझान आ रहे हैं वो देख रहे होंगे। आज वो फिर कह रहे थे बैलेट, विकलांगों के मत और फलाने के मत, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ बड़ी संख्या में आने वाली है और ये दोनों बुजुर्ग दिल्ली जाने वाले हैं। मुझे मध्य प्रदेश के 28 सीटों के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सर, शुरुआती रुझान आपके फेवर में नहीं है, आप घंटे पर रुक जाइए, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? अब बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां पर बीजेपी का दबदबा कम होता दिखाई नहीं पड़ता है। हाथरस कांड का मुद्दा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से उठाया था, उसे देखने के बाद लग रहा था कि इसका असर उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा है। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे, जिसमें से बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में 1, जबकि कांग्रेस और बीएसपी के खाते में 1 भी सीट जाती नहीं दिख रही है। बात अगर गुजरात की करें तो यहां सभी 8 सीटों पर बीजेपी में जबरदस्त जीत दर्ज की गई है। इस शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि उपचुनाव में सभी 8 सीट पर जीत एक ट्रेलर है। अभी बीजेपी आगामी पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।